कृषि अध्यादेशों के विरोध में किसानों ने आज फिर आंदोलन को तेज करते हुए रादौर में जहां स्टेट हाईवे जाम कर दिया, वहीं जिले में रेलवे ट्रैक को भी बाधित कर दिया। रादौर में भारतीय किसान यूनियन मान गुट द्वारा आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक इस हाईवे को जाम किया गया। वहीं शाम 4 बजे के बाद किसानों ने पीएम मोदी के पुतले का दहन करते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कहा कि अगर ये बिल इतने ही अच्छे होते तो बिहार से जो छोटे किसान हैं वे हरियाणा पंजाब में मजदूरी करने पर मजबूर नहीं होते, और सरकार मंडी से बाहर फसल के अच्छे भाव की बात कर रही है तो हरियाणा और पंजाब से ज्यादा भाव तो फसल में कहीं नहीं है। 4 बजे तक हम यहीं बैठेंगे धरना पर, और 4 बजे इस आदरणीय प्रधानमंत्री का पुतला फूंका जाएगा। सारे किसान हम इकट्ठे बैठे हैं और शांतिपूर्ण रहेगा। अगर पुलिस डंडा चलाना चाहती है, गोलियां चलाना चाहती है, हम उनके लिए भी तैयार खाने के लिए हम बिल्कुल शांतिप्रिय बैठेंगे। और जो ये अध्यादेश हैं इसको किसान को बिल्कुल बर्बाद कर देंगे। और यही मैं तो बड़ी शर्म की बात है, ये हमारा मुख्यमंत्री है और हमारा जो गृह मंत्री जो किसानों के बारे में अलग अलग बयान देता है रोज़ किसानों के खिलाफ, उनको भी नहीं पता अध्यादेश क्या बीमारी है, बिल्कुल उनकी समझ में नहीं है। उन्हें तो ऊपर से इन्हें जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी ने थोप दिया गया है, और हमारे जो किसान भाई पीछे पीपली में लाठियां चार्ज हुई उसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, हमारा यही कहना। किसानों के इस भारत बंद के आह्वान के बाद पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट पर दिखाई दिया और वाहन चालक जाम में ना फंसे इसके लिए कई जगहों पर नाके लगाकर वाहनों को डाइवर्ट किया गया। डीएसपी रादौर रणधीर सिंह ने बताया कि किसानों ने त्रिवेणी चौक पर जाम लगाया है, जिसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट पर है। किस प्रकार की तैयारी? देखिए, यहाँ त्रिवेणी चौक पे भारतीय किसान यूनियन वाले बैठे हैं, तो लोग को असुविधा ना हो तो हमने रूट डाइवर्ट किया हुआ है। उधर अपने जो यमुनानगर से आ रहे हैं व्हीकल और गुबगा से उधर खेड़ी लखा सिंह को करती है, और जो कुछत्रा से आ रहे हैं वो वापस दूसरा रूट से डाइवर्ट कर दिया। यहाँ दूसरे रूट से व्हीकल स्मूथली जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसान यूनियन वाले बैठे हैं।